तक कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तक कुछ जानते ही नहीं हो आप, 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी है आप तो इसके लिए चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। इस सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, यहीं पर हैं बैठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं, और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो, ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग चूंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो, शांत रहो। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप जी ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है, तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है, और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, तो ये सबको होने मत दीजिएगा। और समाज में जब एकजुटता रहेगी समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देख रहे हैं सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की जो हम चर्चा करते हैं, तो हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। अब जानते हैं ना कि पुलिस में जो बहाली होती है, तो हम लोगों ने तो कर दिया कि 35% महिलाएं रहेंगी। और अब आप समझ लीजिए कि ये हमने जो शुरू किया 13 के बाद, तब तो 28% पर पहुंच गई है। और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं, सरकारी सेवाओं में सब जगह महिलाओं को कम से कम 1/3। और ये सब काम कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में, हम मेडिकल में भी जो पढ़ने के लिए, उसमें भी हमने कम से कम 1/3 कर दिया है। अब कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, आ सब पढ़ेंगी है? क्या नहीं हुआ, इधर आओ ना भाई, यहां आओ, आपको कोई माइक है कि पता चल रहा है? इधर आइएगा, बता दीजिएगा क्या आपकी समस्या है। तो खैर, तो एक एक जगह हम लोगों का ये प्रयास है, तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की, सबको पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, और सब लोग एकजुट होकर के आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा। तभी सही मायने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे, और उसी तरह से महाराणा प्रताप के सपनों को साकार करेंगे। मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लेकिन मैं पुनः दूर आकर के कहता हूं कि उनकी बात को घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत आगे। आज जितने लोग हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा, तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।
और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।